वेलकम टू YouTube चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। इसमें फिजिक्स में हम लोगों ने पहले जो लेक्चर्स थे उनमें विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ लिया, हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिया, उनके गुणों के बारे में पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का हम पहले समझने के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में थोड़ा सा जो है स्लाइडली अध्ययन करेंगे। तो उनमें से जैसे मैंने कहा कि ये वस्तु है, इस वस्तु को पृथ्वी के द्वारा खींचा जा रहा है, ये अपने आप पीछे जा रही है, क्यों जा रही है, जबकि इस वस्तु और पृथ्वी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन पृथ्वी इस पर एक बल लगा रही है जिसे हम लोग 11th पढ़ते थे गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनके बीच में कोई ना कोई एक काल्पनिक कॉन्टैक्ट है, इमेजिनरी कॉन्टैक्ट है, ये जो फोर्स लग रहा है ये कहलाता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लीजिए किसी स्थान पर कोई इस तरह वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु को हम इधर से खींचते हैं, तो कैसे खींचेंगे, इस पर हमने कुछ धागे बांध दिए और इन धागों की सहायता से इस वस्तु को हमने इधर की ओर खींच लिया और ये वस्तु पर बल लगता है, वस्तु आगे खिसक जाती है, ये कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। या फिर मैंने इधर से धक्का दे दिया इसमें, यह कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन अगर किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य इस प्रकार का कोई भी संपर्क ना हो फिर भी वस्तु पर बल लगता है तो ऐसे बलों को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो विद्युत बल या चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी एक प्रकार के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि इस वस्तु और पृथ्वी के बीच में कुछ काल्पनिक रेखा है जिसको खींच रही है, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ये कोई मैग्नेट है और ये कोई यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट रख देते हैं। अब ये एंड पोल इसको अपनी ओर खींचता है, तो बीच में कोई भी संपर्क नहीं है एक्चुअली जो दिख रही ना हमें, तो वो यहाँ पर ये जो लाइनें काल्पनिक इनको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हुआ करती हैं, उनको हम ऐसे समझेंगे जैसे कोई ये धनावेश है, प्लस का चार्ज है, तो इस चार्ज से कुछ रेखाएं बाहर की ओर निकलती है जो कि काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती है, इन्हीं रेखाओं को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए हमने एक प्लेट ले ली और इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मैंने इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दिया, तो अब इस प्लेट के कारण जो अगर यहाँ पर कोई धनावेश रख दिया जाएगा तो वो ऐसे मूव करने लग जाएगा, तो इस धन प्लेट के कारण इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी। इनकी संख्या नहीं होती है, इनका घनत्व होता है, जितना ज़्यादा आवेश होगा संख्या ये रेखाएं उतनी ही अधिक पास पास होगी, अर्थात इनका जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व होगा वो उतना ही अधिक हो जाएगा। अब ये धनावेश ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर लगातार इधर की ओर एक फोर्स लगता है, तो यह भी एक प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। तो हम कैसे समझेंगे कि किसी स्थान पर अगर किसी धनावेश को रखा जाए तो वो जिस पथ पर चलता है वही काल्पनिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हुआ करती है, जिस पथ पर धनावेश चलता है। तो इनको हम परिभाषित करने के लिए दो तीन प्रकार से इसको हम लिखेंगे, कैसे, किसी स्थान पर कोई धनावेश जिस पथ पर चलता है उस पथ को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, अथवा निशानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी स्थान पर अविरत विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करने वाली काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसको लिख लेंगे सभी लोग अपने हिसाब से, दोनों में से कोई डेफिनेशन लिखेंगे दोनों से ही दोनों में नंबर आपको मिलेंगे। इनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज पर हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं भाई, तो इनके गुण को समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स ऐसे समझेंगे कि अगर कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए
तो आप कोई भी लिख दीजिए। यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन इसके दो तीन गुण ऐसे होते हैं जो आपको अलग से एक नंबर का पूछा जाता है, एक गुण। तो हम इसके स्टार्टिंग से इसको समझेंगे। तो पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है, इस तरह से। ये कोई मैंने चार बनाई है तो चार नहीं होती है, अनंत रेखाएं हैं। इस तरह से बहुत सारी आप रेखाएं बना सकते हैं। अगर कहीं पर ऋण आवेश है तो वहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से। जब इन धनावेश और ऋणावेशों को पास में लाया जाता है, या इसके विद्युत क्षेत्र और इसके विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो कुछ इस तरह से डिजाइन करता है ये। पास में आने पर यहां से एक तो लंबवत निकलेगी, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा किसी पृष्ठ से हमेशा लंबवत निकलती है, यहां से परपेंडिकुलर निकलेगी। और यहां से जब ये ऋण आवेश वाली रेखा अंदर की ओर जा रही है तो इसको खींचेगी तो यहां पर डाइवर्ट हो जाएगी और यहां पर लंबवत प्रवेश करेगी। ये चीज बहुत ध्यान से समझने की है कि किसी भी वस्तु से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न होती हैं। जैसे कुछ हम एक अनियमित आकार का डिजाइन ले लेते हैं और इस वस्तु पर आपने कुछ धनावेश दे दिया, तो ये वस्तु धनावेशित हो गई। अब धनावेशित वस्तु है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो यहां से जो रेखा निकल रही होगी वो ऐसे निकलेगी, ओके, पृष्ठ के लंबवत। यहां से जो रेखा निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी, यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी। लेकिन ये जो पॉइंट बना इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दूसरे को कट नहीं करेगी, इसके प्रतिकर्षण, दोनों के प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण ये रेखा इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक पॉइंट अभी केवल ये समझना है कि किसी भी वस्तु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ से लंबवत उत्पन्न होती है, निकलती है। जहां प्रवेश करेंगी वहां पर भी वो परपेंडिकुलर ही प्रवेश करेंगी, लंबवत प्रवेश करेंगी। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके डिजाइन करती है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई देती है। तो इसमें हम क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश में प्रवेश करती हैं। अच्छा, प्रवेश करके आपकी फिनिश हो गई, समाप्त हो गई, ये वापस यहाँ अंदर से नहीं जाती है। इसका मतलब ये बंद लूप नहीं बनाती है। लेकिन चुंबक में क्या होगा, यहाँ हम देख लेंगे, बाकी मैग्नेटाइजेशन पड़ेगी से एन और एस। जो एन से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी वो एस में प्रवेश करेगी और वो अंदर ही अंदर एस से एन की ओर आती है। तो ये कहा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक क्लोज लूप, बंद लूप बनाती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, खुली होती हैं। तो ये हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बेसिक प्रॉपर्टीज है। आगे हम देखेंगे इसमें क्या होता है कुछ और। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है किसी भी स्थान पर। कैसे, देखिए, समझेंगे इसको। जैसे मैंने यहाँ पर एक धन आवेश ले लिया, एक ऋण आवेश ले लिया, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से आ गई है, एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा आती है इस तरह से। इसका मतलब यहां पर अगर कोई धन आवेश रखा जाएगा तो वो धनावेश ऐसे भागेगा, ओके, यहाँ पर धनावेश रखा जाएगा ऐसे भागेगा, यहाँ पर धनावेश रखा जाएगा ऐसे भागेगा, यहाँ पर धनावेश रखेंगे ऐसे भागेगा। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस बिंदु पर, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।
यानी क्या हो जाएंगे, किसी विद्युत क्षेत्र रेखा में खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अब ये कट क्यों नहीं करती है, इसके लिए हम लोग फिर से समझेंगे इसको। मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर आपने एक फोर्स इधर लगाया तो ये वस्तु इधर जाने लग जाएगी, अब दूसरा फोर्स आपने इधर लगा दिया तो ये वस्तु इधर आ जाने लग जाएगी, उधर जाने लग जाएगी, यानी ये वस्तु दो हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों फोर्सेस के कारण ये वस्तु कुछ इस तरह जाने लग जाएगी। तो दोनों के परिणामी जो बल है वो इधर की ओर आ गए, तो ना तो वस्तु इधर जा रही है ना ही वस्तु इधर जा रही है, उस पर परिणामी बल इधर क्यों लगता है और वस्तु इधर जाने लग जाएगी, यानी बल एक ही दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन एक ही होगी, आप दो नहीं हो सकते। अगर बल ये कहते हो कि यह वस्तु दो दिशा में गति करेगी तो ये रॉन्ग है, कंसेप्ट सही नहीं है वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। तो सपोज करिए कि कोई भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से उत्पन्न होती है और इसको यहाँ से कट करते हुए ऐसे निकलती है, तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम इस लाइन पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कुछ ऐसा जाएगा, और इस लाइन पर खींचते हैं तो ऐसा जाएगा। तो इस पॉइंट पर कोई धनावेश रखोगे तो बताओ इधर जाएगा या इधर जाएगा? अरे दोनों तरफ नहीं जाएगा, ये बीच में जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आवेश दोनों दिशाओं में जाना चाहता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो डायरेक्शन होगी एक ही बिंदु पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन हो सकती है। कट करने से तुरंत दो दिशाएं हो जाएंगी। तो हम ये लिखेंगे कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, काटती रही हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होती हैं जो कि संभव नहीं है। ये एक नंबर का अलग से आता है प्रॉपर्टी रूल लिखने के लिए। इसी प्रकार से किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है, क्यों नहीं टूट सकती इसको भी हम लोग समझेंगे। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरह से जा रही है। ओके, अब हम ये अचानक मान लेते हैं कि ये रेखा टूट गई, तो इसके टूटने से क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज वही है, अचानक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जीरो हो जाए ऐसा नहीं होगा, इसको हम लोग ऐसे समझ बोलेंगे कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में अचानक कोई विद्युत क्षेत्र रेखा टूटती है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये भी एक नंबर का पॉइंट आता है एग्जाम में हमारे। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा, उसको हम लोग इस तरह से बताने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे निकलने वाली और ये माइनस क्यू चार्ज है, हमें विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से आ रही है। अगर अचानक मैं इस चार्ज को डबल कर देता हूं तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या काल्पनिक रूप से बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन संख्या नहीं, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व अधिक हो गया। क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का घनत्व अधिक हो गया, अतः यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रबल हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व बढ़ जाएगा, अर्थात उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम कहते हैं जैसे मान लीजिए आपने प्लस टू चार्ज ले लिया, अब आपने इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपने काल्पनिक रूप से खींच ली, इस तरह से। तो यहां पर अगर मैं एक कोई एरिया रहता हूँ तो एक रेखा पास होती है, यहाँ पर रहता हूँ तो यहाँ उतना ही एरिया या तीन रेखाएं पास हो रही हैं, इतना ही एरिया यहाँ पर ले लेंगे तो और ज़्यादा रेखाएं पास हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी आवेश के जैसे जैसे समीप जाते हैं
तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या घनत्व में बढ़ जाता है, अर्थात वहां पर तीव्रता बढ़ जाती है। इसीलिए तीव्रता थी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो तीव्रता घटती जाती है, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व घट जाता है। उदासीन बिंदु क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के साथ साथ इसी का एक पार्ट के रूप में पढ़ सकते हैं कि उदासीन बिंदु क्या होते हैं, क्यों समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आपने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और उसी के पास में दूसरा प्लस क्यू चार्ज रख दिया आपने, तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से निकलेगी, इधर की ओर आने का प्रयास कर रही है, ऐसे जाना चाहती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा भी इधर की ओर जाना चाहती है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे ही एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये किस फॉर्म में बन जाएंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा। रिपल्शन के कारण, किसके कारण, रिपल्शन के कारण, ऐसे यह स्थिति नीचे क्यों हो जाएगी, इस तरह से कुछ बन जाएगा डिजाइन। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां से बिल्कुल ये टच करने की ही कंडीशन पर होती है, यही इसके नल पॉइंट्स कहलाते हैं, उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट कहलाते हैं। तो उदासीन बिंदु इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर दोनों आवेश परिमाण में बराबर है तो उनके उदासीन बिंदु ठीक मध्य बिंदु पर, उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके ठीक मध्य बिंदु पर होगा। और अगर किसी चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी है, एक तरफ आपने टू क्यों कर दिया और एक तरफ आपने केवल क्यों कर रखा है, तो इसकी प्रबलता अधिक होगी, इसकी प्रबलता अधिक होने के कारण आवेश है उस कम आवेश के समीप हो जाएगा, जबकि बड़े आवेश से कुछ मध्य बिंदु से कुछ दूर की ओर हट जाएगा। इसे हम कहते हैं जो उदासीन बिंदु की स्थिति किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक रिवीजन में भी ले लेंगे। तो अगर आवेश बराबर है तो टर्निंग पॉइंट मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरता है उदासीन बिंदु, और अगर कोई आवेश बड़ा या छोटा है तो उनमें से बड़े आवेश से अधिक दूरी पर तथा जो अल्प आवेश है उसके कुछ मध्य बिंदु के नाम कुछ समीप उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गया बच्चों आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण, उनके नोट्स के रूप में आप पढ़ाते जाइएगा, जो जो पॉइंट्स पढ़ाते जा रहे हैं उन पॉइंट्स को पढ़ा करके जो है पढ़ सकते हैं, वो नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है देखेंगे, इसको समझेंगे। अगर कोई एक क्यू आवेश लिया और उसके पास में एक माइनस क्यू आवेश रख दिया, तो इस प्रकार जो ये पूरा समायोजन बन गया, जो सिस्टम बन गया, इसको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। और इसको ठीक से समझेंगे, दो बराबर, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो परिमाण में बराबर, दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अति अल्प दूरी पर समायोजित किया जाए। समझ में, अति अल्प दूरी एक मीटर आधा मीटर नहीं, ये दूरियां माइक्रोन एंगस्ट्रॉम एमएम में हुआ करती हैं। तो दो बराबर एवं विपरीत आवेश यदि अति अल्प दूरी पर समायोजित किए जाए तो इस प्रकार बना समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जोड़ना नहीं है आपस में, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अति अल्प दूरी पर रखे दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के जोड़े को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास आता है वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? मध्य द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोग समझेंगे, मान लीजिए कोई आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरह से समायोजित है, इनके बीच की दूरी कुछ ले लें, एक्स ले लें या टू एल ले लें। टू एल क्यों ले रहा हूँ मैं, एक्स भी ले सकता हूँ एल भी ले सकता हूँ। तो टू एल लेने का हमारा केवल इतना उद्देश्य है कि इस बिंदु से संबंधित कुछ हम डेरिवेशन कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इनके बीच से ली जाएगी। जब बीच मध्य बिंदु से ली जाएगी तो इन दूरी को दो भागों में बांटना पड़ेगा, अगर x मानोगे तो x बाई टू हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, वहाँ पर बढ़ जाएगी कैलकुलेशन। तो उसको इजी रखने के लिए हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L लिख रहे हैं। न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल बता दूंगा अभी मैं। तो इस प्रकार जो वैद्युत द्विध्रुव का जो समायोजन है, इसमें किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? तो P का जो मात्रक है वो लिखा जाएगा कूलाम इंटू मीटर। इसकी जो डायमेंशन है विमा है वो लिखा जाएगा ए टी आर एस, ये हो गई और मीटर डी एल। तो इसकी जो विमा है वो आपका ए टी एल हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ इसकी दिशा होनी चाहिए। दिशा किधर होगी तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, ओके। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी देखिएगा, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो पी की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इस स्थान पर डायरेक्शन क्या होगी? इस स्थान पर ऐसे हो जाएगी, इस स्थान पर इस तरह हो जाएगी। किसी भी स्थान पर लेंगे तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। और इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख देंगे, वेक्टर पी बराबर टू क्यू एल, ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं क्या एल कैप लिख देंगे तो एल की डायरेक्शन हो जाएगी। या यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे भी लिख देंगे कि आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव ए पी है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज हो गया ये। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वेक्टर पी बराबर टू क्यू एल वेक्टर और ए पी, डायरेक्शन हो गई ए बी की तरफ, ए बी का जो डायरेक्शन है ये ले लिया गया और बीच की दूरी टू एल है, ओके। एक न्यूमेरिकल इसका हम एक लाइन का देखेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कम हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, वापस इसको रिवाइज करिए। एग्जाम्पल है, कोई दो आवेश क्यू वन बराबर प्लस दो माइक्रो कूलाम, क्यू टू बराबर माइनस दो माइक्रो कूलाम एक दूसरे से दो एमएम की दूरी पर है, तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल लिया लिखा है। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि बीच की दूरी 2 mm है, यही मैं केवल समझाना चाहता हूँ। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो ऐसे लिखेंगे, P बराबर आवेश किसी एक आवेश एवं बीच की दूरी। तो
एल के स्थान पर 2 mm लिखोगे क्या? नहीं लिखना है, ये 2L दिया गया है, 2 mm जो है वो पूरा का पूरा 2L है। तो देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है, किसी एक आवेश का परिमाण, तो 2 μm का मतलब 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा इंटू 2 × 2 नहीं 2L की वैल्यू 2 mm, तो 2 और 2 mm का मतलब -3 तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो दूसरा गुण हो गया आपका 4×10⁻⁹ गुलाम इंटू मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो जो पीस की दूरी है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, न्यूमेरिकल्स में आपको गड़बड़ नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का भौतिक सार्थकता क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता देखिए, अगर किसी पदार्थ में उनका धन आवेश, आपको पता है कि केंद्र पर होता है, किसी भी परमाणु का धन आवेश केंद्र पर होता है और जो ऋण आवेश है वो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के रूप में चक्कर लगाता रहता है। तो अगर मैं तरह से देखूं तो ये ऋण आवेश इस तरह से फैला हुआ है, तो इस ऋण आवेश का जो केंद्र है वो यहाँ पर होगा। किसी किसी पदार्थ में ऋण आवेश का जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है कुछ ऐसा होगा कि इसके जो ऋण आवेश को केंद्र में ना होकर केंद्र से कुछ अलग होगा, यहाँ पर ऋण आवेश का केंद्र है जबकि धनावेश का केंद्र यहाँ पर था। तो धनावेश और ऋण आवेश के जो केंद्रक है, जैसे द्रव्यमान केंद्र होता है, कोई खोखला फुटबॉल है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, हमको पता है उसके केंद्र में होता है, जबकि केंद्र में कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ऋण आवेश फैला हुआ है तो ऋण आवेश का केंद्र कहाँ होगा, जहाँ पर भी हो, और धनावेश का केंद्र कहाँ पर है, जहाँ पर भी हो। देखिए क्या दोनों केंद्र एक दूसरे से अलग है या ऋण आवेश का केंद्र और धनावेश का केंद्र एक ही जगह पर है, इस चीज को परखना है आपको। तो अगर किसी पदार्थ में धनावेश का केंद्र और ऋण आवेश का जो केंद्र है वो एक दूसरे के संपाती ना हो, एक दूसरे पर ना हो, तो ऐसी स्थिति पर आप देखिए ये एक तरह से द्विध्रुव का निर्माण कर देता है, इनके जो आवेश केंद्र हैं वो एक द्विध्रुव बना देते हैं। एक्चुअली तो पूरा परमाणु होता है वो होता है उदासीन न्यूट्रल होता है, तो इस पर जितना धनावेश है उतना ही तो ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ऋण आवेश का जो केंद्र होगा, अगर कोई 10 kg की फुटबॉल है या कोई गोला है खोखला है तो उसका द्रव्यमान केंद्र में है, जबकि केंद्र में कोई पदार्थ है नहीं, तो उसके द्रव्यमान केंद्र पर मास कितना है, वही 10 kg है, जितना उस फुटबॉल का, उस बॉल का, उस खोखले गोले का द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान केंद्रित है। इसी प्रकार से जितना भी ऋण आवेश है वो कुल ऋण आवेश इस स्थान पर केंद्रित है, जबकि जितना भी धनावेश है वो इस स्थान पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि ऋण आवेश की जो मात्रा है, धनावेशों की जो मात्रा है वो बराबर है आपस में, अर्थात दोनों का मान बराबर है, प्रकृति में विपरीत है। अतः ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ऐसे पदार्थों को ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। इसको हम लोग कैपेसिटर के चैप्टर में, उस चैप्टर में बहुत विस्तार से इसकी जानकारी पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र में रह करके इनके सेपरेशन को, टूटने को, परावैद्युत सामर्थ्य सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें केवल ये समझना कि भौतिक सार्थकता क्या है। तो भौतिक सार्थकता का अर्थ ये है कि इस प्रकार के ध्रुवी तथा अध्रुवी पदार्थों में आसानी से विभेद किया जा सकता है, इन पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। तो जो इन पदार्थों को हम लोग कहेंगे ध्रुवी पदार्थ और इन पदार्थों को कहेंगे हम लोग
अध्रुवी पदार्थ, क्योंकि इनमें जो मैट्रिक द्विध्रुव है नहीं, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा शून्य, जबकि यहाँ पर ऋण आवेश धन आवेश को कुछ न कुछ मैट्रिक द्विध्रुव आघूर्ण अवश्य होगा। तो जब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है आपका, तो ये ध्रुवी पदार्थ हो गए, और जहाँ पर नहीं है वो अध्रुवी पदार्थ कहलाते हैं। यही इस वैद्युत द्विध्रुव की सार्थकता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अक्ष पर और निरक्ष पर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अक्ष और निरक्ष को हम लोग समझ लेंगे कि ये होते क्या है। तो ये कोई आपका, हम केवल अक्ष और निरक्ष बिंदु समझने जा रहे हैं, तो ये कोई प्लस क्यूब है और ये कोई आपका माइनस क्यूब है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इसको समझे हम लोग, मिलाने वाली रेखा है, इसको आप ऐसे से ग्रहण किए तो ओके। तो ये कहलाता है अक्ष, क्या कहलाता है अक्ष, एक्साइल पोजिशन हो गई है। ये बिंदु कहाँ है, द्विध्रुव के अक्ष पर। ये बिंदु कहाँ है, ये सारे के सारे बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर है। तो इन बिंदुओं पर हम लोग तीव्रता निकालने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो हम उस केंद्र से वो दूरियां ले लिया करेंगे, लिख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, कहीं भी निकालना हो वो एक्स की वैल्यू या दूरी का मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास, तो एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। इसी प्रकार से ये बोला जाएगा अक्षीय स्थिति, ओके। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्ष यानी इक्वेटर, कहीं कहीं पर निरक्षीय स्थिति को विषुवतीय स्थिति भी कहा जाता है या विषुवत बिंदु भी कहा जाता है। तो देखिए निरक्ष क्या होता है, तो किसी वही आपने एक वैद्युत बिंदु ले लिया प्लस क्यू चार्ज और कुछ दूरी पर आपने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, ये हो गया आपका अक्ष। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर अक्ष के लंबवत जो लाइन खींची जाती है, ओके, ये कहलाता है आपका विषुवतीय रेखा या निरक्षीय स्थिति कह जाती है। तो यहाँ पर हम लोग तीव्रता निकाला करेंगे, तो ये कहलाएगी आपकी, चाहे यहाँ पर निकालिए तो ये दूरी ले लिया करेंगे, यहाँ निकालेंगे ये दूरी ले लेंगे, यहाँ निकालेंगे ये दूरी ले लेंगे। तो निरक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो अक्ष और निरक्ष पर कितनी तीव्रताएँ होती हैं ये हम लोग समझेंगे। तीसरा जो आएगा हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा वो आएगा कि वह किसी वैद्युत द्विध्रुव के आर दूरी और थीटा कोण पर, ओके, कि किसी आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू ने जोड़ा है, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर तीव्रता कितनी है, इस चीज़ का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये तीन पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।